जग में महिमा अमल है। सात देवियां भैया, सात देवियों की जग में महिमा अमल है। अब वो सात देवियां सात दीपों में करती, सात द्वीपों में करती और सातों पसर गए। नवरात्र तो चली गई है, नौ देवियां कहीं ना कहीं तो बसर करी गई है, लेकिन बात कर रहा हूं सात देवियों। अरे सात द्वीपों में करती सातों पसर गए, सात देवियों की जग में वर्णीला है और टीवी चूना है। तो सात दीप
हमारे भतीजे को आप लोग सुन रहे थे। हाँ, वो बात देख भी रहे थे।
बड़ी मेहनत की है। बिल्कुल वो बेहतरीन मेहनत इसको कहते हैं मेहनती लोग। मेरा गीत कह रहा है क्या 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 कह रहा है? ओ शेरा वाली दिया है, मेहनत बढ़िया की है होता, लेकिन जबरदस्ती की है। बिल्कुल जबरदस्ती की है। और बेटा कि माँ के हृदय में तो बच्चों का स्थान है। चलिए मान लिया, बिल्कुल माँ है जिस्म तो बच्चे उसकी जान है। अच्छा जिस्म का उल्टा जान होता है होगा। अरे इधर इधर देखो, देखो बेटे देखो, जिस्म का विरोधाभास जान होता है। अरे इतनी बड़ी गलती, थोड़ा पढ़ो पहले। लिखते बहुत अच्छे हैं होगा, थोड़ा पढ़ो। हाँ भतीजा बड़ा खुश हो रहा था। हमारे जो आरपी यादव जी आए थे और उनको थोड़ा जल्दी जाना पड़ा, जो चले गए, थोड़ा सा परेशानी भी है उनको, और पुरस्कार हमारे भतीजे को दे गए। इतना खुश हो रहा था बेचारा, इतना खुश हो रहा था बुआ जी आपको बिना कुछ दिए चले गए। अरे उनको ये पता था कि तुमको ज्यादा जरूरत है। हमारे पर कोई ऐसा थोड़ी पड़ेगा, परेशान ना हो। वैसे भी मेहमान लोग बच्चों को पैसा देते हैं। और विरोधाभास आपके जवाब में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। खाली आना जाना, सोना जगना, पहले उस गीत के विधा को समझिए कि आखिर ये विरोधाभास लगाया कैसे गया है। माँ के चरणों में स्वर्ग विद्यमान है। माँ के रोने से बच्चों की मुस्कान है। अगर माँ सोती है तो जगती उसकी संतान है। हनुमान जी महाराज पहरे पर जग रहे हैं। पता नहीं माँ जिस्म है तो बच्चे उसकी जान है। अच्छा जिस्म का विरोधाभास जान तो होता नहीं है, लेकिन सवरिया जी के लेखनी का जवाब नहीं है। वैसे राइटिंग बहुत अच्छी है, और राइटिंग अच्छी है। चलिए बढ़िया है, जो भी अच्छा है। एक बड़ा अच्छा गीत आया आपकी ओर से। कि मुझे प्यार Thank you.
फाड़ दो। अब मैं अपने गाने को खोल रहा हूँ और जो देवियां आपने बताई हैं, वो देवियां एक ही राशि की हैं। हालांकि जब तक हम लोग किसी दूसरे का गाना पूरा सुन नहीं लेते, और क्या बोले, हम लोग बीच से जवाब नहीं लिखते हैं। हम लोग अपने पन्ने नहीं खराब करते। और क्या बोले, पहले गाने को समझ लेते हैं, आपके जैसे बीच से लिखना नहीं शुरू कर देते। और जबकि मैंने तो शुरुआत में ही बता दिया था कि मेरे गाने विरोधाभास लगा है। है कोई बात नहीं, सुनो। अगर आपको कोई शंका हो तो माता रानी के 108 नामों में
रखती हूँ। ध्यान दीजिएगा, सुनिए। अब त्रिपुरेश्वरी का श्याम, अरे त्रिपुरेश्वरी का श्याम बड़ा न्यारा है, और श्याम रंग चूनर धारे, और साथ में अरे श्याम वाहन भी प्यारा है। श्याम भी वाहन है, श्याम रंग की चूनर है, और श्याम रंग वाली माँ भी है। समझ लिया? तो मैं कह रही हूँ सर देवानी मिली। कैसे? अब
क्या?